तिवारी जी, मुझे बताइए ना, कौन है गुनहगार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एयरपोर्ट की घटना है उसमें निश्चित रूप से व्यवस्था दोषी है, और बारिश के दौरान इस तरह से टूट करके गिर जाना ये कोई साधारण बात नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो लोग, जो जिम्मेदारी है जिनकी। और मुझे खुशी है कि वहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्टर पहुँचे हैं, एक बड़ी जांच की घोषणा हो गई है और दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो उसमें टैक्सी ड्राइवर, उनके प्रति हमारी संवेदना है, इससे हम नहीं बच सकते। दूसरी बात, जो बारिश चाहे कितनी भी रिकॉर्ड तोड़ हो, देखिए ऐसा कोई ऐसी बारिश नहीं हो जहाँ पे बारिश के बाद दिल्ली में जल जमाव की स्थितियाँ ना दिखती हों। एक लंबे समय से थोड़ा सा मैं दोनों में अंतर देखता हूँ, एक पहली बार घटी घटना है, एक दूसरी जो घटना है डूबने की, वो हर बारिश की है। और अभी कल बारिश होगी तो फिर होगा, अगले एक महीने बारिश होगी तो फिर होगा। तो इसमें निश्चित रूप से जिनकी जिम्मेदारी है, जो 25 सालों से जिनके पास PWD है, जिनके पास फ्लड के नाले हैं, उन लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं एक सांसद के रूप में मैं स्वयं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूं। मैं मिंटो ब्रिज पे मैं भी गया था, और जिस प्रकार से कार फंसी, ट्रक फंसे, और जगह जगह ये स्थितियां बहुत भयावह हैं। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी जो है, अब एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लेनी है, और अगर दिल्ली में जल जमाव की है तो आम आदमी पार्टी सरकार को लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन सर जो हादसा हुआ और एक की जान चली गई, उसमें व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ कैसे हो सकती है? नहीं नहीं वो सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है, और मैं शुरुआत में ही बोल रहा हूँ, और उसको आपने देखा होगा, सिविल एविएशन मिनिस्टर पहुँचे हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ से जांच की घोषणा की है, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं GMR अगर, इनको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सारी जो भी बातें होती हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट की तो होती हैं, और दिल्ली में हर साल होने वाला जल जमाव आप देखिए, लगभग 6 लाख करोड़ रुपया तो आम आदमी पार्टी की सरकार में पिछले 9 साल में खर्च हुए हैं, कहाँ गए? क्यों ऐसा होता है? हर साल की स्थितियां हैं, एक साल कोई आकस्मिक घटना घटे उसकी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है हम, लेकिन जो लोग साल दर साल यही दृश्य होता है उन लोगों को आ जाना चाहिए। आज इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, हम 2 महीने से हम सांसद के रूप में ये खतरा दिखा रहे हैं कि PWD के नालों की डिसिल्टिंग नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, फ्लड के नालों की तो आप स्थिति देखिएगा, मैं फोटो डाल रहा हूँ, आप हैरान रह जाइएगा, पिछले 20-25 साल में कभी उनकी सफाई नहीं हुई, डिसिल्टिंग तो छोड़ दीजिए। तो जो हमारा NDMC का एरिया है, ये तो एक टापू की तरह, यहाँ से पानी जितना निकलेगा कहीं ना कहीं PWD और MCD और फ्लड के नालों से ही जाएगा अंतिम में जहाँ निकलता है। सर, NDMC मगर सारी व्यवस्थाओं को न्यूट्रल जोन की तस्वीरें आपने देखी है? सर, मैं चाहूंगी एक बार वो तस्वीरें दिखा दीजिए, सांसद किस तरह गोद में उठाकर जाते हुए नजर आए, अपने जूतों को, अपने सामानों को हाथ में कैसे उठाते हुए नजर आए, वो तस्वीर भी एक बार साथ साथ दिखाते चलिए, क्योंकि NDMC की जिम्मेदारी किसकी है सर? फिर अगर वहां पर जल भराव है, पूरा लुटियन जोन डूबा हुआ है, तो कौन लेगा फिर उसकी जिम्मेदारी? हाँ, NDMC की बात जब करेंगे तो उसमें मैंने कहा NDMC की बनावट एक टापू की तरह है, यहाँ से सारा पानी रिलीज होता है तो फिर PWD के नाले और MCD के नाले और फ्लड के नालों से ही होगा। जब वही जाम होंगे तो मैं मानता हूँ कि NDMC में आज हमें भी वैसे ही जाना पड़ा संसद में, मुझे 45-50 मिनट की परेशानी, हमारे घर पे भी वही हुआ जो आप दिखा रही हैं, लेकिन फाइनली पानी कहाँ रिलीज होगा? तो ये एक सामूहिक रूप से आज इसको बात करना चाहिए। हम तो 2 महीने से आपको वीडियो भेजता हूँ जब मैं नालों की सफाई न होने से, डिसिल्ट न होने से मैं खतरे दिखा रहा हूँ, तब ये लोग पानी के लिए अनशन बैठे थे जो पानी के लिए जिम्मेदार हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार है वही इमरजेंसी मीटिंग तब करता है जब पानी सर पे आ जाता है। तो
आज भी तो जगे, आज भी तो इसकी जिम्मेदारी ले आकर के। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में अभी बारिश को जिम्मेदार ठहरा दिया। अरे बारिश कितना भी ऐतिहासिक हो, ठीक है, एक घंटा लगेगा, डेढ़ घंटा लगेगा, पानी का निकास तो होना चाहिए। आठ आठ घंटे पानी का निकास नहीं हुआ है मैडम। ठीक है सर, आप पानी कह रहे हैं ना जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, और बारिश को जिम्मेदार अगर नहीं ठहराना चाहिए सर, तो आपके मंत्री राममोहन नायडू क्यों कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश से कैनोपी के गिरने की आशंका है? कैनोपी के क्यों कह रहे हैं? वो उसको क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वक्त पर उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए? वो सब हमने नहीं किया, वो जांच का विषय है। वो क्यों बारिश की आशंका, यानी अगर बारिश हो जाएगी सर तो कुछ भी, मतलब इससे तो सबकी छतें गिर जानी चाहिए सर। इतनी बारिश सिर्फ केवल एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी हुई है, सबके घरों में हुई है, सबके घरों की छत गिर जानी चाहिए इतनी बारिश में सर। नहीं, नहीं गिरनी चाहिए इतनी बारिश से, छतें नहीं गिरनी चाहिए। आप हमारी बातों को सकारात्मक लीजिए, और राम नायडू ने बहुत तुरंत वहां पहुंचे हैं। आपको कोई आम आदमी पार्टी का नेता किसी जगह पहुंचा नहीं दिखेगा सर। उनके पहुंचने से मुझे बता दीजिए, वो जो टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि वहां बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था सर, वो घर जाके अपने परिवार को चलाता, राममोहन नायडू वहां पहुंच गए तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर जिंदा हो गया क्या? केवल उस पहुंचने को उपलब्धि देख ले क्या? नहीं नहीं, कैसे जिंदा हो जाएगा, बड़ा नुकसान है। तो उस बड़े नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ क्या केवल कमेटी बना के, जांच करके कोई व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है? चार लोगों को आप सस्पेंड कर देंगे, लेकिन सर जिसकी जान गई वो तो चली गई ना सर, उसके लिए क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं आप कि मेरी सरकार जिम्मेदार है कि वहां पर हम ध्यान नहीं दे पाए? सर कितना रेवेन्यू आपको, 4200 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली एयरपोर्ट की कमाई है सर, टैक्स पेयर है हम सब है जो ये पैसे भरते हैं सर, और हमें क्या मिल रहा है कि हम अगर एयरपोर्ट जाएं तो अपनी सुरक्षा अपनी खुद करें, तो कुछ भी हमारे सर पे गिर सकता है और हम मर सकते हैं। मैडम या तो आपके कान खुले हुए नहीं है, या तो हमको आप सुनने को तैयार नहीं है। मैंने शुरुआत होते ही जिम्मेदारी ली है, आप इस तरह से कितने क्या जो बातें कह रही हूं, मैं शुरू से बोल रहा हूं, आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि वो जिम्मेदारी हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है, और हम राम नायडू जी गए हैं, लेकिन जहां और तो हम कहां कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आप हमारे ऊपर क्यों बरस रहे हो? सर एक जान गई है और जो जिम्मेदार है, मैं वही समझना चाह रही हूं। आपने पहले व्यवस्था को जिम्मेदार बताया, फिर मैं जब लगातार आपसे सवाल पूछ रही हूं तो आपने कहा एविएशन मिनिस्टर, लेकिन आपको जल जमाव एक बड़ी समस्या दिख रही है, लेकिन यहां एक जान चली जा रही है, आप उस पर बचकर वहां आप कह रहे हैं कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन यहां हां हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है सर? आप अजीब बात कर रही है, मैं तो आप तो ऐसा बात करें ऐसा लगता है कि मैं सौरभ भारद्वाज से बात कर रहा हूं। आप जल जमाव को माफ करना चाहती हैं और बाकी जो जिम्मेदारी हम ले रहे हैं दूसरों को नहीं ले, ऐसे थोड़ी बात करनी चाहिए। आप लोग बिठा लेते हो, बाद में ऐसी बातें पार्सलिटी वाली करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है सर। एक जान समझिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं शुरू से उसको कह रहा हूं कि जिम्मेदारी हम अपनी ले रहे हैं, लेकिन जिसकी, अरे तो मैं कहां उस पे आप, मैं भाग रहा हूं, आपको क्या हो गया है? मैं शुरू से पहली बार वही कह रहा हूं, हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं मैडम। ठीक है, आप जल जमाव को आप बोल रही हैं कि उसकी हम बात ही नहीं कर, चलो छोड़ दो, हमारी सारी गलती है, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, ऐसे पार्सल नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में आ नहीं रहा, और आप क्यों कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज वाली बातें मैं कर रही हूं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या मैं विपक्ष हो जाता हूं सर? नहीं नहीं, आप नहीं ना सर, मैं आपसे सिंपल, क्योंकि आपने पहले व्यवस्था को जिम्मेदार समझाया, फिर आपने कहा वहां मंत्री चला गया, यानी बहुत बड़ी बात हो गई कि वहां मंत्री पहुंच गया, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन आप ये जिम्मेदारी नहीं देख रहे हैं कि इतनी बारिश में अगर ऐसी घटना हो जाती है, एक शख्स खत्म हो जाता है, 4200 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली एयरपोर्ट की कमाई है, टैक्स पेयर वो पैसा चुका रहा है, तो हम क्या अपनी सुरक्षा उम्मीद नहीं कर सकते सर? ये इतनी छोटी सी उम्मीद भी हमें नहीं रखनी चाहिए क्या? उसके लिए भी क्या हम स्वतंत्र नहीं है क्या? तो हम कहां, आप आपकी बात से कहां डिफर कर रहे हैं, हम आपकी बात से कहां डिफर कर रहे हैं आप? लेकिन जल जमाव को आप सोच रहे उसकी बात हम क्यों करें? चलो ठीक है, मत करो, राजनीति हो रही है, आप खाली इसी की बात करिए, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब ये इतनी हल्की बात है कि हम उस पे भी बात कर लेंगे? आप
प्रभु हमको क्यों बुला लिया आपने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये तो गलत, ऐसे आपको पत्रकार ऐसे नहीं बात करनी चाहिए मनोज, आपको सारी समस्याओं को समझना चाहिए। जहां आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, बाकी जो दूसरी जिम्मेदारी है जल जमाव की, जिसकी क्योंकि आपकी एनडीएमसी की भी बनती है, आपने उसको टापू के तौर पे बता दिया और अपनी जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ते नजर आए कि वो तो उनकी जिम्मेदारी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।